नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। और आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के फर्स्ट और सेकेंड यूनिट करने वाले हैं। तो दोस्तों 15 सितंबर से डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और जो आपका डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर है उसका एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो दोस्तों इसको हम HAP भी कहते हैं। और जो हमारा HAP सब्जेक्ट है, जो भी हमारा पैरामेडिकल कोर्स हो गया, इसके अलावा कोर्स हो गया, कोई भी आपका मेडिकल कोर्स हो गया, तो वहाँ पे आपको HAP के बारे में पढ़ना ही होता है, तभी आप ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज हम इंट्रोडक्शन और सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएँ कि अभी फार्मेसी पॉइंट चैनल पे फर्स्ट ईयर की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों इसके पहले HECP और आपका बायोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बन चुका है, तो उसके अंदर भी 3-4 वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। और मैं सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दूंगा, जैसे आपका वीडियो आता जाएगा, आपका कोर्स कम्प्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे जो भी आपका प्लेलिस्ट होगा डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, उसमें वीडियो अपलोड होती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं और हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड इट रिलेशनशिप विद अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज नोन एज। तो दोस्तों ऐसा विज्ञान जो बॉडी स्ट्रक्चर के साथ और इसका रिलेशनशिप करता है किसके साथ, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो उसको क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइकोलॉजी एंड ऑस्टियोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका एनाटॉमी। और यहाँ पे वर्ड दिया है फिजियोलॉजी, तो आपका फिजियोलॉजी क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी अगले क्वेश्चन में। और यहाँ दिया है माइकोलॉजी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मसल, तो स्टडी ऑफ मसल्स को कहते हैं माइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ मसल्स। और यहाँ पर दिया है ऑस्टियोलॉजी, तो दोस्तों ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, तो ये स्टडी ऑफ बोन, तो स्टडी ऑफ बोन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। और यहाँ पे दिया स्टडी ऑफ मसल इज नोन एज माइकोलॉजी। तो दोस्तों इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि स्टडी ऑफ सेल्स इज, तो दोस्तों स्टडी ऑफ सेल्स क्या कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं फिजियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इसके अलावा माइकोलॉजी, और यहाँ पे दिया गया है वायरोलॉजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है स्टडी ऑफ सेल्स इज, तो दोस्तों इसमें इसका सही ऑप्शन नहीं बना है, लेकिन इसका मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन है साइटोलॉजी। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि स्टडी ऑफ सेल्स इज साइटोलॉजी, तो इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। बाकी फिजियोलॉजी क्या होता है मैं आपको आगे बताऊँगा। ऑस्टियोलॉजी आपको पता है कि स्टडी ऑफ बोन, और यहाँ दिया है माइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ मसल्स, और यहाँ पर दिया है वायरोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है स्टडी ऑफ वायरस। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नहीं बन पाया, लेकिन हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी, तो इसको हम क्या कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट, तो दोस्तों स्टडी ऑफ जॉइंट क्या कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए एंथ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी और हिस्टोलॉजी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंथ्रोलॉजी। और यहाँ पे दिया है न्यूरोलॉजी, तो ये होता है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे दिया है माइकोलॉजी का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि स्टडी ऑफ मसल्स, और हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, साइंस दैट डील विथ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं साइंस दैट डील्स विथ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, यानी कि जहां पर हम स्टडी करते हैं फंक्शन की, बॉडी फंक्शन की, कि आखिरकार बॉडी के अंदर फंक्शन कैसे हो रहा है, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिजियोलॉजी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजियोलॉजी इज, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है फिजियोलॉजी का वो क्या हो सकता है। तो ये आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों इसके अलावा आपका हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो ये सभी होते हैं सब्जेक्ट मैटर होते हैं फिजियोलॉजी के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गन इज, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए एंथ्रोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड स्प्लैंक्लोलॉजी। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है स्प्लैंक्नोलॉजी। तो यहाँ पे दिया है एंथ्रोलॉजी क्या हो गया स्टडी ऑफ जॉइंट्स, तो ये हमारा जॉइंट से रिलेटेड है। माइकोलॉजी क्या हो गया स्टडी ऑफ मसल्स, और हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। तो
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। व्हेन अरेंजमेंट ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर दिस इज कॉल्ड। तो दोस्तों जब अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर वो सिमिलर होंगे देखने में तो उसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सिमेट्रिक असिमेट्रिक मीडियन लाइन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो दोस्तों जैसे ए वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने मिरर रख दिया है, यहाँ पे हमने मिरर रख दिया, तो जो इसका परछाई बनेगा वो भी आपका इसी शेप का बनेगा, तो इसीलिए जो हमारा ए वर्ड हो गया ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिमेट्रिक। तो द सेंट्रल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इंटू टू हाफ इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पे एच रहेगा, एच ए वी ई डी। तो दोस्तों जो आप समझिए कि ये हमारी बॉडी हो गई और इसका अदर, और दोस्तों इसका अगर हम टू पार्ट कर दें बिल्कुल बीच से, यहाँ पे सेंट्रल प्लेन लिखा हुआ है विच डिवाइड द बॉडी इंटू टू हाफ इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं मीडियन लाइन। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको हम मीडियन लाइन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मीडियन लाइन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू इज, तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं सेल्स टिश्यू ऑर्गन एंड ऑन ऑफ दिस। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सेल, आपको पता होगा। तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल, तो जो भी हमारा सेल का स्ट्रक्चर होगा आप सभी को पता होगा कि कुछ इस तरह की सेल बनी होती है, और यहाँ पर पूछा गया है लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ सेल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक हिंट मिल गया होगा, सेंटर यानी कि केंद्र। तो जो भी आपका सेल होता है उसके सेंटर में क्या होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूक्लियस। और यहाँ पे लिखा है सेल मेम्ब्रेन, तो ये सभी आपका सेल मेम्ब्रेन होता है जो आपको इधर दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये सभी आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, और इसको हम कह रहे हैं सेल वॉल भी कहते हैं। लेकिन जो हमारा सेल वॉल होता है ये मेनली प्लांट सेल में पाया जाता है, और इसके बीच का जो एरिया है, जो आपको ये दिखा रहा है एरिया दिख रहा है, ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनली जो होते हैं जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी लाइसोसोम, ये सभी इसी साइटोप्लाज्म एरिया के अंदर पड़े रहते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इलेवन करते हैं। साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, तो इसमें ऑप्शन दिया गया क्रोमेटिन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोलस और माइक्रोसोम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूक्लियोलस। तो क्वेश्चन नंबर 12 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, तो दोस्तों जो भी ह्यूमन से इनके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, तो दोस्तों साइटोप्लाज्म क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह की आपकी सेल होती है, और यहाँ पे बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, ये हमारा बीच में न्यूक्लियस हो गया। तो दोस्तों अब इसके बाद ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाता है, इस साइड में हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस से लेके और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और दोस्तों इसी के अंदर लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया इसके अलावा गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी हमारा दोस्तों सेल ऑर्गेनली है वो सब इसी के अंदर पड़ा रहता है, तो इसी को हम कहते हैं, तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम जो भी सेल ऑर्गेनली हैं वो सब पड़े रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन, तो दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोसोम साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन दिए गए सेल मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइसोसोम। तो जो हमारा लाइसोसोम होता है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और इसका पीएच हमेशा एसिडिक रहता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि फंक्शन ऑफ सेल, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिरकार जो हमारी सेल है इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन मेटाबॉलिज्म ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। और इसके अलावा भी दोस्तों कुछ फंक्शन होते हैं जैसे ग्रोथ एंड रिपेयर इंजेशन एंड एसिमिलेशन इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सभी हमारे फंक्शन ऑफ सेल होते हैं, तो आपको फंक्शन ऑफ सेल्स याद होने चाहिए। और यहाँ पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स अकर बाय, तो दोस्तों जो भी हमारी सेल्स हैं वो एक सेल से दो सेल बनती है, उसके बाद दो से चार सेल बनती है, इसके बाद चार से दोस्तों आठ सेल बनती है। तो इस प्रोसेस को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो भी हमारी सेल्स हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है,
तो यहाँ पे दिया गया है माइटोटिस, मियोसिस, बोथ वन एंड टू एंड नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों कोई भी सेल हो गई वो माइटोटिस और मियोसिस ये दो मेथड के द्वारा रिप्रोडक्ट करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ वन एंड टू। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, द सेल ऑर्गेनली रिलेटेड टू सेल्यूलर ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनली है जो रिलेटेड है सेल्यूलर ऑक्सीडेशन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पूछा गया कि प्रोसेस वेयर फूड मटेरियल इज ब्रोकन टू रिलीज एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि फूड मटेरियल है, इस फूड मटेरियल को ब्रेक किया गया और इससे हमें मिली एनर्जी, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैटाबोलिज्म, और यहाँ पे लिखा है एनाबोलिज्म लिखा है। तो दोस्तों जब हमारा एनर्जी से क्या बनता है, एनर्जी से हमारा फूड बनता है, तो उसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म। और दोस्तों एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म ये दो प्रोसेस मिला के मेटाबोलिज्म बनता है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है कैटाबोलिज्म। तो आपको ये सभी क्वेश्चन करने में अच्छा लगा होगा दोस्तों, और जो भी आपके टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी दोस्तों आपको आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट पर करवाई जाएगी। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।